लोकसभा चुनाव के पहले चरण में नामांकन वापसी के साथ ही तस्वीर साफ हो चुकी है, तो वहीं दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन जारी। बीजेपी जहां देशभर में 400 ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही, तो कांग्रेस गठबंधन के सहारे बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के मूड में नजर आ रही। लेकिन इस बीच सट्टा बाजार के समीकरण के माहौल को देखा जाए तो ये देखने वाली बात है। सट्टा बाजार बीजेपी की उम्मीदों पर खरा नहीं है। अगर बात की जाए देश के सबसे बड़े सट्टे बाजार की, तो उसने बीजेपी के जीत के दावे को बल दिया है, लेकिन 400 के पार के सपने को टूटता हुआ ये सट्टा बाजार बता रहा है। फलौदी सट्टा बाजार का दावा है कि इस बार बीजेपी 330 से 340 सीटों के बीच अटक सकती है, जबकि कांग्रेस को 40 से 45 सीट जीत नसीब हो सकती है। राजस्थान की बात करें तो फलौदी सट्टे बाजार के अनुसार पिछले 10 सालों से बीजेपी को इतिहास बना रही है, वो इतिहास इस बार उनसे दूर होता नजर आ सकता है। मतलब साफ है कि बीजेपी को इस बार 25 सीटें नहीं जीत पाएगी। मिशन 25 की हैट्रिक से बीजेपी इस बार दूर हो सकती है, और इसकी वजह है सीटों का मुकाबला काफी दिलचस्प और टक्कर वाला, और इसी टक्कर के चलते कुछ सीटें बीजेपी के हाथ से फिसल सकती है। शिवसेना निर्दलीय के रूप में जीत हासिल करने वाले रविंदर सिंह भाटी ने इस बार निर्दलीय के रूप में बाड़मेर से लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। रविंद्र सिंह भाटी एक बार फिर विधायक चुनाव जैसा करिश्मा करने की तैयारी में है। सट्टा बाजार भी भाटी की मजबूती को नकार नहीं पा रहा। भाटी की जीत की संभावना सट्टा बाजार जता चुका है। ऐसे में बीजेपी से प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के साथ कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल के लिए बाड़मेर सीट की राह कांटे से भरी हो सकती है। गजेंद्र सिंह की राह भी मुश्किल होती नजर आ रही है। बाड़मेर के बाद नंबर आता है जोधपुर का। जोधपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए मुश्किल कम नहीं है। कड़े मुकाबले के चलते जोधपुर की सीट फंसती हुई नजर आ रही है। इसके साथ पिछले एक बड़ी वजह है जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत का विरोध भी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने साल 2019 में जोधपुर सिटी से गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने चुनाव लड़ा था, लेकिन भारी अंतर के साथ सामना करना पड़ा। वह इस बार वैभव गहलोत को जालौर सिरोही सीट से टिकट देकर मैदान में उतारा है, जिसके चलते इस सीट पर भी सभी की निगाह है। लेकिन सट्टा बाजार की बात की जाए तो 2019 की तरह 2024 में भी वैभव गहलोत की राजनीति में कमजोरी पकड़ उनकी चिंता बढ़ा रही है। सट्टा बाजार जालौर सिरोही सीट से भाजपा को मजबूत बता रहा है। पिछले दो बार चुनाव की बात करें तो भाजपा के गठबंधन से जीत रहे हनुमान बेनीवाल की आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल इस बार नागौर सीट से कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। बेनीवाल और कांग्रेस के गठबंधन में सबसे बड़ी भूमिका अशोक गहलोत की बताई जा रही। नागौर सीट से अब मुकाबला कांग्रेस बीजेपी वर्सेज आरएलपी के बीच ना होकर सीधा मिर्दा और बेनीवाल का मुकाबला बन चुका है। ऐसे में चुनाव से पहले नागौर के दिग्गज माने जाने वाले मिर्दा परिवार का बीजेपी में शामिल होना नागौर की सीट से हनुमान बेनीवाल को कमजोर साबित कर चुका है। वहीं फलौदी सट्टा बाजार भी इस बार बेनीवाल की जीत को लेकर मुश्किल आने की संभावना बना चुका है।